Yes. So today we will start exercise 4.4. Before that, some examples we will take. For that, I am sharing my screen. So all of you just take out those pages in your note, in your book. What is the page number? Can anyone tell me? 91. Yes. Page number. No, not 91. I told beta matlab tumne instruction dhyan se nahi suna. Maine kaha example lenge hum exercise se pehle. So that is page number 89. 4.3 complete ho rahi hai. So 4.7 application of simple simple equations to practical situations hai na. Now as we have studied simple equations, तो उनका हमारा डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, है ना. प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हमारी जो डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं, वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल इक्वेशंस. ठीक है. यस रेणुका, यू रीड इट 4.7. ओके मैम. We have already seen examples in which we have taken statements in everyday language and converted them into simple equations. We also have learned. हमने देखा ना, you have converted the statements into equations and equations into statements in previous exercises. Have you done this type of question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, continue. We also have learned how to solve simple equations. Thus, we are ready to solve puzzles or problems from practical situations. The method is first to form equations corresponding to such situations and then to solve those equations to give the situation to the puzzles or the problems. We begin with what we have already seen in example 1 and 3, section 4.2. Yes, हम उसी से स्टार्ट करते हैं. तो तुमने एग्जाम्पल 1 में इसके फर्स्ट और थर्ड पार्ट में देखा होगा. लेट्स सी एग्जाम्पल 8. द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32. फाइंड द नंबर. अब इस तरह से ये क्वेश्चन आया हमारे सामने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू मेक द इक्वेशन. बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज नाउ इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वी आर स्टार्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स. तो व्हेनेवर वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स, तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फ्रेम करते हैं. ध्यान से सुनेंगे सब लोग. वर्ड प्रॉब्लम से हमको पहले इक्वेशन फ्रेम करनी होती है, एंड आफ्टर फ्रेमिंग इक्वेशन वी सॉल्व इट. सो हाउ टू फ्रेम द इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट. आपको ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो वो कैसे सीखे, तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा, उसको हम एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं ध्यान से, और जितना समझ आता जाता है उसको लिखते जाते हैं, एंड देन वी गेट द फाइनल इक्वेशन. सो लेट्स सी हियर, यहाँ पे क्या बोला है. इफ द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, तो सबसे पहले तो हम नंबर सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स. तो लिखो ये, क्योंकि जो भी अननोन होता है, यहाँ नंबर कौन है ये तो पता नहीं है, तो जो भी अननोन होता है उसको हम क्या सपोज करते हैं बेटा, एक्स, या कोई भी वेरिएबल, वाई भी ले सकते हैं हम. तो यू कैन राइट, अभी लिखो इसको, साथ साथ लिखते जाओ, यानी समझ में भी आएगा. एग्जांपल 8 वी आर सॉल्विंग. तो लिखो लेट द नंबर बी एक्स. अब हमने नंबर एक्स ले लिया, तो अब उसका कितना है, सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर. 3 टाइम्स अ नंबर मतलब क्या होगा, 3x. यस 3x. तो 3x हो गया, उसके साथ सम है, मतलब क्या करोगे, क्या करना है हमको 3x के साथ, एड. तो यू विल राइट 3x प्लस किसको, 3 टाइम्स अ नंबर 11. 3x प्लस 11, अगर ऐसा करते हैं तो सम कितना है, द सम इज 32. तो इक्वल्स टू आ जाएगा 32.
So here you will get this equation 3x plus 11 is equals to 32. ये हमने क्या कर दिया सबसे पहले? According to question, we have framed the equation. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. क्योंकि हमको equation बनाना सबसे पहले आना चाहिए. ठीक है? अब equation बना दे. हमें तो क्या करना है? Find the number. Number को find out करना है. Then to find the number, what number you have assumed at the beginning? क्या नंबर एज्यूम किया? x. तो इसका मतलब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करना x. है. हाँ, x की कैसे फाइंड करोगे? क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को सॉल्व. हाँ, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो सॉल्व करने के लिए हमने कई सारी मेथड सीखी है. तो एनीवन वी कैन टेक. नाउ वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन. देन ट्रांसपोज दिस. तो क्या करेंगे? हमको तो x की वैल्यू चाहिए. तो इसको क्वारंटाइन करने के लिए जो जो है सबको भगाओ यहाँ से. 11 को उधर ट्रांसपोज करोगे RHS में, तो किस में जाएगा वो? माइनस साइन के माइनस में. हाँ, तो ये सॉल्व करते जाओ बेटा साथ साथ. ये लिख लेना ट्रांसपोज 11 टू RHS. तो 3x इक्वल्स टू 32 माइनस 11. तो 32 में से 11 माइनस किया तो कितना आया? 21. इट मींस यू गेट द नेक्स्ट स्टेप 3x इक्वल्स टू 21. अभी x के साथ 3 है, इसको भगाना है. तो अब क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है. तो इसको हटाना है तो डिवाइड करेंगे. देन व्हेन यू हैव डिवाइडेड 3x बाय 3 तो ये बचा x, और 21 बाय 3 तो क्या आ जाएगा? 7. तो x इज इक्वल्स टू आ गया 7. सो व्हाट इज द नंबर? 7. 7. दिस इज अवर आंसर. हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं. कैसे? यह इस कंडीशन में डाल के देखो. जैसे हमारा नंबर आया है 7. 3 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर कौन है? 7. 7 का 3 टाइम्स कितना हुआ? 21. उसमें 11 को ऐड करो. 11 को ऐड करो 32. हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है. ठीक है, ये मैंने एक चेक करने का तरीका सिखाया तुम्हें. ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल को तुम लोग खुद से ट्राई करो अभी जल्दी. एग्जांपल 9. फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7. 3 मोर देन 7 मतलब क्या हुआ? मैम 7 से ज्यादा. 3 ज्यादा है. 7. हाँ, 3 + 7 करोगे. 7 + 3. हाँ, तो 1/4. 1/4 ऑफ अ नंबर मीन्स 1/4. हाँ, और यहाँ पे नंबर हम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो. तो तुम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो. तो x, y, z लिया. जैसे यहाँ पे y लिया, तो लेट द अननोन नंबर बी y. तो 1/4 ऑफ y हो गया y by 4. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 1/4 ऑफ द नंबर इज, जो ये नंबर है 3 ज्यादा है किससे? देन 7. तो y 1/4 ऑफ y में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 3. और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो y by 4 equals to 3 + 7. अब ये 7 को अगर यहाँ लिखा है तो 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 10. अब आगे का तुम सॉल्व करो. डू इट फास्ट. एग्जांपल 9 सब लोग करेंगे जल्दी से. मैम आ गया. हाँ, ओके. जिसने कर लिया है वो चेक करो. इज इट डन बाय एवरीवन? चेक आल्सो कर लिया सबने? हाँ, अपने मन से करो. बुक में से देख के नहीं छापना. मैम कर लिया. कैमरा ऑन करो बेटा सब लोग. सिर्फ शुभ्रा का कैमरा ऑन है, बाकी बच्चों का कैमरा ऑन नहीं है. जैनिल का अब हुआ है, अदीप का भी है. गुड. ऋषिका का भी है. अक्षरा, हाँ, कृष्णा, वेरी गुड बेटा, कीप इट ऑन. ऋषिका, हैव यू डन इट?
रिशिका हैव यू डन इट बेटा? यस मैम। ओके हाँ परम ओके ठीक है। अदीप हो गया बेटा? बेटा पहले yes, ma'am. हाँ ओके ठीक है सबका हो गया। हर्ष हैव यू डन? यस मैम। हाँ ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट वन। अक्षरा हो गया बेटा तुम्हारा? हाँ राघव शर्मा का भी हो गया है गुड। अक्षरा सॉल्व हो गया एग्जांपल? अक्षरा की आवाज नहीं आ रही है पता नहीं। यस ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल 10। उस और आज के होमवर्क में तुम लोग ये ट्राई दीज वाले क्वेश्चन करना। ये जो है ना व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6 एंड सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट यू गेट 7 कैन यू टेल व्हाट द नंबर इज। तो ये वाला आप और इसका सेकंड पार्ट भी। राघव शर्मा बेटा रीड द सेकंड पार्ट ऑफ ट्राई दीज। व्हाट इज दैट नंबर 1/3 ऑफ व्हिच एडेड टू 5 गिव्स 8। हाँ ये दोनों आपको पार्ट होमवर्क में करना है। और वैसे भी जो पूरे क्लास में भी हम पढ़ते हैं द सेम क्वेश्चन शुड बी रिपीटेड एट होम इन होमवर्क। ये आपको रोज का होमवर्क है ही। मैं हर क्लास में बोलूं या ना बोलूं आपको करना ही है उतना। एक्स्ट्रा कुछ होगा तो मैं अलग से बताऊंगी। ओके हाँ बेटा ध्यान से सुनो अब एग्जाम्पल 10। जेन्युइन यू रीड 10th एग्जाम्पल। राजू फादर एज इज 5 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूस एज। फाइंड राजूस एज इफ हिज फादर इज 44 इयर्स ओल्ड। ओके अब इसको ध्यान से समझो बेटा कैसे करते हैं। पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। राजूस फादर्स एज इज 5 इयर्स मोर। 5 इयर्स मोर मतलब ये समझ आ रहा है हमको क्या करना पड़ेगा? राजू की एज के 3 टाइम्स। तो राजू थ्री टाइम्स। अब ध्यान से सुनो बेटा तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? राजू की एज को सपोज करना पड़ेगा है ना, तभी उसकी फादर की एज निकल पाएगी। तो स्टार्टिंग में लिखो लेट अस सपोज दैट राजूज एज इज वाई इयर्स। क्योंकि वाई इयर्स में बताते इसलिए वाई लिख लो या चाहे तुम एक्स इयर्स भी लिख सकते हो कोई इश्यू नहीं है। उसमें वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं एक्स वाई जेड टी जो भी है ठीक है। तो हमने यहाँ पे सपोज किया वाई इयर्स। अब अगर राजू की एज वाई इयर है तो उसके फादर की एज कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा बुक का देख के नहीं छापना है जो मैं बोल रही हूँ उस तरह से आपको लिखना होगा। लेट राजू एज इज वाई 44 3x + 5 = 44। हाँ मैं बेटा वाई के अकॉर्डिंग में बोल रही हूँ मैंने यहाँ पे वेरिएबल वाई लिया है। तो राजू की एज वाई इयर्स है तो फादर की एज 3 टाइम्स तो मतलब हो जाएगा 3y + 3x। बेटा बीच में नहीं बोलो 5 more यानी प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 3y + 5। तो कितनी है ये एक साइड आ गई LHS। इफ हिज फादर इज 44 इयर्स ओल्ड मतलब फादर की एज तो ऑलरेडी गिवन है और ये 3y + 5 हमने क्या निकाली है फादर की एज निकाली है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इक्वेशन सेट करते हैं 3y + 5 = 44। इक्वेशन कैसे बनी ये सबको समझ आ रहा? यस मैम। x = 13। ओके यस तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है हाउ वी हैव फ्रेम्ड द इक्वेशन? नो मैम क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है बच्चों को तो वर्ड प्रॉब्लम समझने लग गए तुम लोग कि कैसे इक्वेशन बनानी है तो आगे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा।
क्योंकि हायर क्लासेस में भी कई सारी वो वर्ड प्रॉब्लम्स तुम्हें सॉल्व करनी होंगी। बस अब एक बार इक्वेशन बन गई तो अब तुम्हें सॉल्व करना तो आता है। प्लस फाइव को ट्रांसपोज करेंगे माइनस फाइव हो जाएगा, फिर थ्री से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और फिर पूरा सॉल्व करके आंसर आएगा 13। तो y इज इक्वल्स टू 13 आया, तो सिर्फ यही लिख के नहीं छोड़ देंगे y इक्वल्स टू 13। y क्या सपोज किया था? हम राजू से ज क्या वो लिख रहे हैं? हाँ, तो राजू, यस, राजूज एज इज 13 इयर्स। कैसे लास्ट में पूरा आंसर लिखना है, और ये जो फाइनल वैल्यू आती है इसको हाईलाइट भी किया करो। बेटर टू राइट इट इन अ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया करो इसको इस तरह से, तो योर आंसर विल बी हाईलाइटेड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स, ऑल थ्री एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज। तो क्या है इसमें? सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जस्ट बी रेडी विद दिस। कैन वी स्टार्ट एक्सरसाइज? यस मैम। ओके कृष्णा, कृष्णा बेटा रीड फर्स्ट पार्ट। सेट अप द इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। इफ एड फोर टू एट टाइम्स अ नंबर यू गेट 16। अब देखो एड फोर मतलब हमको क्या करना है? प्लस फोर, तो प्लस फोर तो हमने लिख लिया। किसमें? एट टाइम्स अ नंबर, मतलब कोई एक नंबर है जिसका एट टाइम। तो लेट अस सपोज दैट द नंबर इज एक्स। हाँ, तो लिखो फर्स्ट लाइन, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शॉर्ट में तुम एटीक्यू लिख सकते हो तीनों कैपिटल लेटर में। एटीक्यू का मतलब ही होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ बेटा? कि एट टाइम्स अ नंबर, तो एट टाइम्स अ नंबर मतलब मैम 8x। हाँ 8x, फिर एड फोर, 8x + 4 = 16। हाँ, तो एड फोर, तो हमने प्लस फोर कर दिया। किसमें प्लस फोर करना है? एट टाइम्स अ नंबर, हमने नंबर क्या लिया एक्स, तो उसका एट टाइम मतलब 8x। तो 8x प्लस फोर यू गेट 60, इट मीन्स इक्वल्स टू 60। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का हाफ पार्ट तो हो गया। वी हैव सेट अप द इक्वेशन, हमने इक्वेशन सेट कर दी है। अब हमको नेक्स्ट पार्ट करना है क्या? हम ट्रांसपोज करना है फोर को, सॉल्व करना है इक्वेशन को, सॉल्व करना है। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो किस तरह से। ये 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 60, फटाफट सब सॉल्व करो बिना इसमें देखे। हम क्या करेंगे? 4 को ट्रांसपोज करेंगे, मतलब उधर, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 60 माइनस 4 56, पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। यस मैम, ये आ गया सबको समझ में? यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो दस एक्स यहाँ माइनस नहीं है बेटा, ये इक्वल आएगा। एक्स इक्वल्स टू 7 इज द रिक्वायर्ड अननोन नंबर। अब इसमें बाकी सारे पार्ट्स तुम लोग खुद से ट्राई करना है इसके, जो नहीं आएगा वो तुम नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ई वाला मैं बता देती हूँ। मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। फ्रॉम 50 मतलब क्या समझ में आया? 50 से, 50 में से माइनस करना है। सबसे पहले 50 लिखोगे। अब थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक मतलब तुम्हें सपोज क्या करना पड़ेगा? 3y। हाँ, सबसे पहले सपोज क्या करोगे? क्या है y? क्या है अगर y नंबर ऑफ बुक्स, नोटबुक्स। तो लिखो फर्स्ट लाइन ई वाले पार्ट में, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स
लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स बी x. तो अगर नंबर ऑफ नोटबुक्स x लिया तो थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स मतलब कितना होगा? 3x. उस 3x को क्या करना है हमको? इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50. मतलब क्या होगा? 50 minus 3x. वेरी गुड. अदीप ने आंसर दिया? यस मैम. हाँ शाबाश बेटा. 50 minus 3x. तो क्या रिजल्ट मिलता है इसको? व्हाट इज योर इक्वेशन? 50 minus 3x = 8. यस. नाउ लेट्स चेक इट. हमने इक्वेशन सही बनाई है क्या? है ना, ये देखो, लेट द नंबर बी x, देन 50 minus 3x कर दिया, इज इट इक्वल्स टू 8. तो इक्वेशन इज 50 minus 3x इक्वल्स टू 8. अब इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, सॉल्यूशन देख के नहीं करना. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. मैं दूसरे का सॉल्यूशन यहाँ रख रही हूँ बोर्ड पे, वो सॉल्यूशन रख ही नहीं रही हूँ. सॉल्व दिस इक्वेशन फास्ट. आंसर ओके. 4 0 14. जेन्यू? यस मैम. 4 0 40 की 1 4 14. मैम 1 4 14. अच्छा ठीक है, करने दो बाकी सबको, अभी नहीं बताऊंगी सही की गलत. मैम -14. नहीं बेटा माइनस में नहीं आएगा क्योंकि नंबर है ना. हाँ 14 ही आएगा, नंबर ऑफ नोटबुक है ना, तो वो माइनस में नहीं हो सकता. यहाँ पे देखो, ये अगर तुमको इस तरह से जो इक्वेशन मिली है 50 minus 3x = 8, तो अगर तुम्हें लगता है कि वेरिएबल इधर रहने से माइनस में रहता है, तो बेटा जब 8 के साथ में 50 को ले जाओगे तो 50 भी किधर आएगा, इधर आके माइनस का होगा. तो तुम्हें क्या नंबर मिलेगा? 8 minus 50 means -42. तो दोनों तरफ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा. तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? 3x = 42, है ना, ये ध्यान रखना. अच्छा इतना नहीं करना हो तो तुम फर्स्ट स्टेप में ऐसा भी कर सकते हो. हमारा काम क्या है बेटा, वेरिएबल को एक तरफ ले जाना है, तो वो चाहे LHS में भी हो सकता है, वो RHS में भी हो सकता है. तुम ऐसा भी कर सकते थे कि इस 8 को उठा के इधर ले आए और 3x को उठा के उधर ले गए, तो क्या हो जाता, 50 minus 8 = 42, और इधर में आता = 3x. फिर 42/3 आ जाता तो x की वैल्यू ही आती, वो भी फिर लास्ट में तुम लिख सकते थे x = 14. वैसे भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू. ओके क्लियर है? थोड़ा ध्यान रखना है, ये 50 यहाँ पे कौन से साइन के साथ है? मैम प्लस के. पॉजिटिव. हाँ तो उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा. रखना बहुत जरूरी. और ये माइनस 3x यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही है, तो दोनों तरफ से फिर माइनस माइनस कैंसल हो गए, दोनों तरफ है ना, क्योंकि इसलिए कैंसल हो गए. ठीक है? यस मैम. हाँ तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट तुम लोग खुद से करना. नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2. जो नहीं आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. यस ऋषिका, यू रीड फर्स्ट पार्ट. Yes, ma'am. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चन तुमने उसमें भी किए हैं पहले, इससे पहले एक्सरसाइज में भी. चलो ध्यान से समझो, टीचर ने क्या बोला, क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, जैसे अभी तुम्हारा टेस्ट हुआ था, तो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो क्या है, लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस है. ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क का दुगने है, डबल है. लोएस्ट मार्क्स डबल है. हाँ
मतलब अगर लोएस्ट मार्क्स को हम एल से मान ले, लेट द लोएस्ट मार्क्स बी एल, एल भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर एक्स मान लो या एल मान लो, जो भी मानते हो, तो एल लिया तो ट्वाइस द लोएस्ट मतलब कितना हो जाएगा, है ना, लोएस्ट मार्क्स प्लस सेवन, 42.5 प्लस सेवन मतलब कितना हुआ, 2L plus 7. यस, 2L plus 7. तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 2L plus 7. ये क्या है, हाईएस्ट मार्क्स, है ना, और हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87. तो 2L plus 7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 87. व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, बस हमने इक्वेशन बना ली. तो आप सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे, लेट द लोएस्ट स्कोर बी एक्स या एल या वाई जेड, जो लिखना चाहो लिख लो, लेट द लोएस्ट स्कोर बी एक्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माइक ऑफ करो अपना, किसका माइक ऑन है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x plus 7 is equals to 80, कितना है, 87. ये इक्वेशन फ्रेम हो गई. अब इसको सॉल्व करो एंड गेट द लोएस्ट मार्क्स. 2l plus 7 is equal to 87. 43.4. सॉल्व करो, ट्रांसपोजिशन करो और सॉल्व करो. मैम हो गया. जेन्युइन, एक बात मुझे नहीं समझ आई बेटा, क्लास में तो तुम काफी अटेंटिव भी रहते हो, आंसर भी देते हो, इतनी जल्दी दे देते हो, फिर एग्जाम में क्या हो गया था बेटा, एग्जाम में मूड नहीं था क्या एग्जाम देने का. एग्जाम में क्यों नहीं अच्छा किया. हाँ राघव, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, 40. जेन्युइन, What is the reason? क्यों नहीं अच्छा किया बेटा एग्जाम में. मुझे तो लगा कि तुम बहुत अच्छा करोगे, तुम मैथ्स में तो और भी अच्छा. अरे वाह, अनिल ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड, क्लैप फॉर अनिल, वेरी गुड अनिल, शाबाश, कीप इट अप, यू मस्ट ट्राई लाइक दिस, ऐसे ट्राई करते रहा करो. अनिल थोड़ा स्माइल तो दे दो, तुम्हारी तारीफ हो रही है, तुम्हारे लिए क्लैपिंग हो रही है. हाँ वेरी गुड. हाँ आदि, those who have got answer 40, their answer is correct. Okay. Now it means I can say that all of you are knowing how to solve the equation. कर सकते हो? Yes ma'am. Equation solve आ गई. अब हम सिर्फ equation बनाएंगे और solve फिर तुम बाद में आगे करते रहना remaining part की भी. Okay. प्राची, now you read B part. In the answer, triangle, the base angle are equal. The vertex angle is 40 degree. What are the base angle of the triangle? Remember, the sum of three angle of a triangle is 180 degree. Yes, the same question I have explained it to you on the board when I think last week jab maine tumhari class li thi, as I remember. यस ना बेटा, मैंने बोर्ड पे फिगर ड्रॉ करके बताया था तुमको ट्राइंगल का. ऊपर वाला एंगल बेस एंगल इक्वल है ना, किया था हमने. तो बस वैसे ही फिगर ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल ड्रॉ करो. सारे बच्चे अपनी नोटबुक में जल्दी से उसको नाम दो, एबीसी. रफ फिगर ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी. ऊपर ए लिखना और नीचे बीसी लिखना, जो साइड आएगी. अब ए बी और बीसी को थोड़ा सा ऐसे कट करके बता दो, मतलब ये दो साइड इक्वल है. हाँ, ए बी और बीसी को, नॉट सॉरी नॉट बीसी, एसी, ए बी और एसी साइड इक्वल है, ये वाली इस तरह से जो आ रही है, जो इस तरह से आ रही है ना, ऐसा ट्राइंगल बन रहा होगा तुम लोगों का. तो ये दोनों साइड, ये वाली, ठीक है. हाँ, ए बी और एसी, ये दोनों इक्वल हो गई. अब एंगल ए जो है, हाँ, ऊपर जो बन रहा है, ये हर्ष अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा है ना, तो ये जो ऊपर एंगल ए बन रहा है, ये एक अकेला एंगल हो गया. और एंगल बी और एंगल सी क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल है. तो हमने कौन से एंगल इक्वल लिए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है. हाँ, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं.
क्या बोला है, बेस एंगल इक्वल है तो हम लिख देंगे, लिखो लेट अस सपोज दैट द ट्राइ इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ब्रैकेट में रीजन लिख लेना एस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ब्रैकेट में लिख लो रीजन एस, कौन सी साइड इक्वल ली हमने, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो जो ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल कौन से, एंगल बी और एंगल सी, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। और इसको हम सपोज कर लेते हैं, जो इक्वल एंगल्स है उनको हम क्या सपोज कर लेते हैं बेटा, एक्स, और वर्टेक्स वाला एंगल यानी एंगल ए कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो ए के वहां पे लिख लो 40 डिग्री, मार्क कर लो तुमने जो फिगर ड्रॉ किया है उसमें, कर लिया। और बी और सी पे एक्स और एक्स लिख लो क्योंकि बी और सी आपस पे इक्वल है, हैव यू ड्रॉन द फिगर, यस मैम, करके जल्दी से फिगर बताओ क्या ड्रॉ किया तुमने। हाँ, ए पे सी पे बी और सी पे क्या लिखना है मैम, एक्स लिखना है, ए पे 40 डिग्री लिखना है और बी और सी पे एक्स लिखना है। हाँ ठीक है बेटा, ओके ओके ठीक है ठीक है, है ना, ए पे लिखना है 40 डिग्री। हाँ अदीप का बहुत क्लियर और अच्छे से दिख रहा है, एवरीवन कैन सी, अदीप शो इट वंस अगेन, तुम्हारी स्क्रीन सबसे क्लियर दिख रही थी अदीप, नोटबुक प्रॉपर नहीं दिख रही बेटा अभी इधर, हाँ हाँ सही दिख रहा है, यू कैन सी ए पे लिखोगे 40 डिग्री और बी और सी पे एक्स और एक्स, ठीक है। अब हमको पता है कि अभी अभी अपने नोटबुक शो करते रहो अदीप, इसमें क्या है बेटा, हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, वेरी गुड, तो बस वही प्रॉपर्टी हम लिख देंगे। अब लिखो नीचे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए, ऐसे साइन बनाना एंगल का, थोड़ा सा आड़ा कैपिटल एल बनाते ना, बस नाउ स्टॉप शोइंग इट अदीप, थैंक यू, एंगल ए, हाँ अदीप लिखो बेटा एंगल ए प्लस, राधिका माइक ऑफ करो, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जेन्युइन लिखना है, तुम लिख नहीं रहे हो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है लिखा। अब एंगल ए के नीचे एंगल ए की वैल्यू लिखो, कितना है एंगल ए, कितना है बेटा, 40 डिग्री, 40 प्लस एंगल बी कितना है, एंगल सी भी कितना है, तो तुम्हारी नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 40 प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, हाँ 180 डिग्री, ये आ गई स्टेप। अब 40 को ट्रांसपोज करो और एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स टू एक्स है ना, Yes. तो इस तरह से तुम्हारी इक्वेशन आएगी, यहाँ देखो बेटा ये x plus 40 equal to 180 या 40 plus x plus x equal to 180, x plus x हो जाएगा 2x और ये 40 को उधर ले जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो 180 में से 40 माइनस हुआ तो 140, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 70, सॉल्व इट फास्ट, मैम कर लिया, इस वीक में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आज तुम्हारी क्लास है फिर सैटरडे को होगी तो तब तक ये चैप्टर, सेकंड सैटरडे है उस दिन, अच्छा सेकंड सैटरडे है क्या, ओ तो फिर अपना हो जाएगा, ये जो बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स है तो तुम लोग ट्राई करना। अब देखो सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, इस लाइन से क्या समझ में आता है, राहुल ने जितने रन सचिन बनाए, ट्वाइस सचिन के हैं,
मतलब सचिन ने राहुल से डबल रन बनाए, तो पहले हम राहुल के रन सोचते हैं कि लेट द रन्स स्कोर्ड बाय राहुल इज एक्स, है ना। और फिर क्या बोला है, टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या समझ में आया, साथ में, दोनों को मिलाकर। हाँ मतलब दोनों को मिला, दोनों ने मिलके कितने रन बनाए, रन। ओके ध्यान से सुनो, देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। सबसे पहले तो डबल सेंचुरी का मतलब सबको पता होगा, 200 अभी तो आईपीएल चल रहा है, सबको मैच का फीवर चढ़ा होगा अभी तो, है ना। चलो ठीक है, यस मैम। हाँ तो डबल सेंचुरी मतलब 200। अब फेल टू शॉर्ट मतलब क्या आप समझ रहे हो इससे, फेल टू शॉर्ट मतलब फेल टू शॉर्ट मतलब क्या जेन्यूल, व्हाट इज द हर्ष तुम्हारी नहीं फेल टू शॉर्ट, दो शॉर्ट मारे नहीं, शॉर्ट है वो एस एच ओ आर टी, एस एच ओ टी शॉर्ट नहीं है वो, एस एच ओ आर टी शॉर्ट है। क्या समझ आ रहा है, डबल सेंचुरी से थोड़ा सा कम, मतलब 200 से थोड़ा सा कम। कितना कम मैम, 200 माइनस 2, 200 से 2 कम। जेन्यूल एक बात पूछूं बेटा, ऑनेस्टली आंसर दोगे, ऑनेस्टली देना, देखो ऑनेस्टली देना। आई फील लाइक कि तुम के साथ में कोई और डिवाइस या अपनी डिवाइस पे तुम फटाफट उस पे सर्च करते हो, जब उस पे आंसर आ जाता है देन यू जस्ट गिव द आंसर, एम आई राइट। नो मैम, मैम मेरे को मैम अभी समझ में आया मैम। अच्छा दूसरे इस पे सर्च करके आंसर नहीं देते हो मैम, मेरे पास कोई नहीं बैठता। नहीं नहीं अरे बैठने की, आजकल तो गूगल गुरु है तो और किसी गुरु की जरूरत ज्यादा कहाँ पड़ती है। नो मैम इस मोबाइल की स्क्रीन भी खराब है ना मैम, इसलिए सर्च ही नहीं होता। अच्छा चलो, अगर मन से दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, हाँ व्हाट वी वर डिस्कसिंग, फेल टू शॉर्ट, टू मतलब टू रन्स, शॉर्ट मतलब कम है, तो 200 डबल सेंचुरी से टू शॉर्ट है, मतलब डबल सेंचुरी मतलब 200 से टू रन कम है, है ना, 200 माइनस 2। हाँ यस, तो चलो अब लिखो इसमें, लेट राहुल स्कोर्ड एक्स रन्स, लिखो जल्दी से, लेट द रन्स स्कोर्ड बाय राहुल इज इक्वल्स टू एक्स। तो सचिन के रन कितने होंगे, सचिन ने कितने रन स्कोर किए उससे, डबल, डबल मतलब कितने हो जाएंगे, सचिन के रन कितने हो जाएंगे फिर, मैम 2x। हाँ राहुल से डबल किए तो राहुल के एक्स, तो सचिन के हो गए 2x। अब टुगेदर मतलब इन दोनों को एड करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस टू एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 200 माइनस 2। लिखो इस तरह से लिखना तुम, मैं जो बोल रही हूँ इसमें जैसे लिखा है वैसे तुम्हें समझ नहीं आएगा। हाँ पहले डायरेक्ट नहीं लिखो बेटा, पहले ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टुगेदर मतलब ये हो गया इन दोनों को एड, तो एक्स प्लस टू एक्स इक्वल्स टू 200 माइनस 2, है ना, डबल सेंचुरी में 2 कम पड़ रहे हैं ना, तो 200 माइनस 2, समझ आ गया सबको। यस मैम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3x इक्वल्स टू 200 माइनस 2। अब बस इसको सॉल्व करो, इसमें तो सिंपली 3 से डिवाइड ही करना है, 200 माइनस 2 यानी 198, x की वैल्यू आ गई, तो x क्या है, रन स्कोर्ड बाय राहुल ये आ गया, तो रन स्कोर्ड बाय सचिन कितने हो जाएंगे, 2 into 66 यानी 132। यस बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन मैम, 3x कैसे बेटा, x और 2x को ऐड करोगे तो 3x आएगा ना, x रन है किसके, राहुल के, और 2x रन किसके, सचिन के, टुगेदर मतलब दोनों को ऐड कर दो तो x plus 2x कितना होगा, 3x, और 3x किसके इक्वल है, 200 माइनस 2 के। ठीक है बेटा, ओके मैम,
Yes, ma'am. That's all for today's class. Now we will do the next question in next class. इसमें जो equations हैं वो तुम लोग कोशिश करना next question. मैं homework में दे रही हूँ. ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. अगर तुमने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किए कर पाए तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? यस मैम. बेटा यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके सो यस मैम. थैंक यू मैम. सायरा मैम.